हरे कृष्णा। आज के हमारे इस वीडियो का शीर्षक है आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति करें। तो हम लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो बड़े ही व्यस्त हैं, चाहे वह एक छोटा बच्चा हो वह स्कूल के लेकर बड़ा ही व्यस्त है। एक जवान व्यक्ति अपने करियर को लेकर बड़ा चिंतित है, व्यस्त है, और एक बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, वो अपने बिजनेस में बड़ा ही व्यस्त है। उनके सामने हजारों लाखों उपाय परोस दिए जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो यूट्यूब पर जब जाकर देखते हैं तो उनको हजारों तरीके दिखते हैं, तो कौन सा तरीका वो अपनाए जिसके माध्यम से उनको लगे कि मेरा समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी तरीका जो ठीक नहीं रहा वह अगर उन्होंने अपना लिया तो उनका समय खराब हो जाएगा, ऐसा सोच उनकी हो गई है। तो ऐसा तरीका वो बोलते हैं मुझे बताओ कि जिनसे मेरा समय बर्बाद ना हो और मैं आध्यात्मिक जीवन में 100% आगे बढ़ूं। तो वह तरीका है ABCD। ABCD क्या है? पहला, ए मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, साधु संघ। आपको नजदीकी हरे कृष्णा सेंटर पर जाना है और वहां के भक्तों से मिलना है, क्योंकि वो लोग भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में रुचि रखते हैं। अगर आप उनके साथ में संग लेंगे तो आप भी अपने आप यह रुचि विकसित कर लेंगे। दूसरा है बुक रीडिंग, बी मतलब बुक रीडिंग। तो उन भक्तों से यह पूछिए कि मुझे कौन सी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है। जिस प्रकार एक स्टूडेंट कुछ पुस्तकों को पढ़कर एक विज्ञान को समझता है, उस विषय के विज्ञान को समझता है, तो यह पुस्तकें आपको आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान के बारे में डिटेल में बतलाएंगी। तीसरा है सी, सी मतलब चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा, यह एक ध्वनि ध्यान है। तो भक्त जो है आपको बतलाएगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 108 बार इस मंत्र का उच्चारण हमें नियमित रूप से करना, प्रतिदिन करना है। और चौथा स्टेप है डी, डिसिप्लिन, अनुशासन। तो वो भक्त जो हैं आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ आपको संकेत देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनका आपको नियमित रूप से पालन करना है। तो ये सीधा सटीक तरीका है, ABCD अपने जीवन में अपना के देखिए और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़िए। हरे कृष्णा।